बिजली पानी और सड़क, आज भी हम 70 साल बाद उसी की बात करते हैं। अगर मेरे गांव में शिक्षा की व्यवस्था होती, चिकित्सा की व्यवस्था होती, बिजली की व्यवस्था होती, पानी की व्यवस्था होती, तो मेरे गांव का आदमी शहर की तरफ नहीं दौड़ता, गांव की सुविधाओं में ही काम करता और मेरे गांव का उत्थान होता। लेकिन यह दूरी पैदा करने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया। मित्रों, मैं आपको और निवेदन करना चाहता हूं। आपने देखा होगा 2014 के बाद तो देश के अंदर परिवर्तन हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको 2014 से भी पहले ले जाना चाहता हूं कि आए दिन भ्रष्टाचार की कहानी होती थी। अखबारों में भ्रष्टाचार लिखा हुआ आता था, हजारों करोड़ रुपए के, लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार करते थे। भ्रष्टाचार इतना होता था कि अखबार में आते शून्य 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 आते हुए कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति होता था, अखबार को पढ़ करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे और वो अखबार का पन्ना आंसुओं से गीला हो जाता था। 14 से पहले देश में आतंकवादी आते थे, मर्जी आजा बम फोड़ करके चले जाते थे, तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति होती थी, जाति के आधार पर राजनीति करने वाले लोग थे। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद केंद्र की सरकार से लेकर राज्य की जो हमारी भाजपा की सरकारें हैं, एक भी घोटाला आपने नहीं देखा होगा, एक भी घोटाला। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बम फोड़ करके चले जाते थे, ये यहां तक नहीं, हमारे सैनिकों का सिर भी काट ले जाते थे, कहीं आपको आतंकवादी नजर आते हैं क्या? कहीं नजर आते हैं क्या? कहीं नक्सलवादी दिख रहे हैं क्या? यह 2014 का परिवर्तन है। कहीं आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है क्या? अगर भ्रष्टाचार करने वाले हैं तो मोदी जी ने क्या कहा है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर खाली आए तो, खाली आए तो निकलवा भी लूंगा। अब एक बात बताइए, इन भ्रष्टाचारियों को पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? अब आप देख रहे हैं, जैसे ही भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, एनडी गठबंधन आगे हो रहा है। हमको तो ईडी आ रही है, सीबीआई आ रही है। अरे भाई, जब आप घोटाला करेंगे तो क्यों नहीं आएगी? अरे एक एक सांसद के यहां से 300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, मशीन उनको गिनते गिनते, आदमी की तो बात छोड़ो, मशीन परेशान हो रही है, तो आप बताओ क्या होगा? इनको पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है? आप बताइए, पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है? तो पकड़ना है तो ये पकड़ा रहे हैं ना। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, इस देश में जो भ्रष्टाचार है, ये कांग्रेस उस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। हमने आपके बीच में वायदे, जो संकल्प पत्र लेके आए थे, उन वायदों को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, 45% हमारा घोषणा पत्र हमने पूरा करने का काम किया है। हमने आपके बीच में कहा था, क्योंकि किसान के उन युवा पुत्रों के साथ जो आघात किया था, 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम किया था, हमारे भाई बेरोजगारों के नेता उपेन यादव जी बता रहे थे, इन्होंने लाठियां खाई थी, संघर्ष किया था, पेपर लीक वालों का विरोध किया था, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने युवाओं की आंखों में आंसू लाए हैं, युवाओं को सपनों को रोंदा है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे अभी तो एसआईटी ने 80 वो लोग पकड़े हैं जिन्होंने नकल की थी, नकल से पास हुए थे। अभी तो वो बाकी हैं जिन्होंने नकल का धंधा किया था, जिन्होंने नकल की दुकान खोल रखी थी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों,
कि एक कितना भी बड़ा आदमी हो, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, युवाओं के सपने को रौंदने का काम किया है, उनको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमने वादा किया था कि किसानों के लिए सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। 6000 रुपए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी केंद्र की सरकार देती है। हमने कहा 6000 हमारी राज्य की सरकार भी देगी, और हमने पहली किस्त 2000 की जारी की है, 6000 से बढ़ा करके हमने 8000 किए हैं, और हमने पहले ही कैबिनेट में पास कर दिए कि हमारे किसानों को हम 6000 केंद्र की सरकार और 2000 रुपए हमारी राज्य की सरकार किसान सम्मान निधि देने का काम करेगी। और यही नहीं, हमारे जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बार बार पत्र लिख रही थी, केंद्र की सरकार कांग्रेस की सरकार को बार बार पत्र लिख रही थी कि आप उन किसानों के बेटों को, जो किसान जिनके पिताजी का देहावसान हो जाता है, उनका नामांतरण करता है, उनकी सूची हमें चाहिए, इन्होंने सूची भी नहीं भेजी। हमने 60000 से ऊपर ऐसे किसान पुत्रों को भी नाम जोड़ करके सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने एमएसपी गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। हमने 2275 रुपए से 2400 रुपए किसान की एमएसपी बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमारे बुजुर्गों को, हमारी माता बहनों को मिलती थी, दिव्यांग भाइयों को मिलती थी, उसको भी हमने बढ़ा करके 1000 से 1150 रुपए करने का काम, 1150 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि, हमारे निकाय के जनप्रतिनिधि, उनको जो भत्ता मिलता था उनका भत्ता भी बढ़ाया के हमने 15% बढ़ा के उनको भी भत्ता बढ़ाने का काम। तो अभी आपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुना, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और